नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई इस साइबर क्राइम के बारे में। जी हाँ भाई, ये वीडियो इसलिए बनाना जरूरी है कि आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, व्हाट्सएप हर आदमी चलाता है। जी हाँ, व्हाट्सएप तो हर आदमी चलाता है, आप सबको पता ही है। व्हाट्सएप पे जी हाँ, पहले KBC के नाम से आपको लॉटरी निकली है, आजकल एक नया फंडा और आ गया है कि व्हाट्सएप ने लॉटरी निकाली थी जिसमें 25 लाख रुपए की आपको लॉटरी निकली है। जी हाँ, इसमें आपके पास मैसेज आया नहीं आया, यह हो सकता है आ सकता है, इसमें इस पर हम बात करेंगे। और रीज़न ये आगे ये इंडिया में ऐसा ये क्यों चल रहा है, साइबर ठगी सबसे ज़्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, इसके कैसे रोका जा सकता है, अगर आपके साथ में ये हरकत हो तो आपको क्या करना चाहिए, डिटेल से भाई बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आप नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। एक बंदे के पास में एक मैसेज आता है लगभग रात के समय में, उसमें ये लिखा होता है कि भाई आपने 25 लाख रुपये की लॉटरी जीत ली है। एक वीडियो आता है उसके मोबाइल पर, वीडियो सेंड किया जाता है व्हाट्सअप नंबर पर। जी हाँ, और उसमें यह बताया गया कि ये आपको लकी ड्रा में आपको 25 लाख रुपए की लॉटरी निकली है, इसको आपको प्राप्त करने के लिए हम आपको एक नंबर दिए जा रहे हैं, जो SBI बैंक का मैनेजर है बॉम्बे का, उनसे आपको आपके मोबाइल में नंबर सेव करना है, उनको फिर आपको वीडियो कॉल करना है। जी हाँ, फिर वो आपको जैसे जैसे प्रोसेस बताएंगे वैसे वैसे आप कीजिए ताकि ये पैसा आपको मिल जाए। जी हाँ, क्योंकि ये पैसे आपके अकाउंट में आपको ट्रांसफर करने हैं, वो पूरा प्रोसेस ये जो नंबर दिया गया है इसी में बताया जाएगा। वीडियो में आगे ये भी बताया जाता है कि मैं व्हाट्सअप का जो हेड ऑफिस है वहाँ से बात कर रहा हूँ, व्हाट्सअप कस्टमर अधिकारी, जी हाँ ऑफिसर बात कर रहा हूँ आपसे। आपको लकी ड्रा में ये इनाम आपको मिला है, हमने ये लकी ड्रा इंडिया, नेपाल, दुबई, सऊदी अरबिया या फिर जुनाना यहाँ पे हमने ये लकी ड्रा किए थे जिसमें आप लकी हैं, आपको ये 25 लाख रुपए का इनाम निकला है। जी हाँ, SBI का जो बैंक मैनेजर है उनका आप नंबर अपने व्हाट्सअप में सेव कर लीजिए, कॉल नहीं होगा, व्हाट्सअप नंबर से आप बात कर सकते हैं वीडियो कॉल में, फिर वो बताएंगे कि आपको पैसे किस तरह से आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। जी हाँ, तो बता दूँ इसमें साथियों, लॉटरी लगने के नाम पे दो नंबर दिए गए थे। जी हाँ, दोनों नंबरों को जब चेक किया गया, ये हालांकि दैनिक भास्कर ने इसको पड़ताल की, तो दैनिक भास्कर की नजर ये जो रिपोर्ट सामने आई कि 25 लाख जो लॉटरी का लालच दिया गया था, इस मैसेज में कितनी सच्चाई है, दैनिक भास्कर की टीम ने इसको सर्च किया तो पड़ताल में ये पता लगा कि जो दो नंबर दिए गए थे, जी हाँ, जिस नंबर पे मैसेज आया था वो नंबर साफ है कि वो इंडिया का ही नंबर था, कोई बाहर का नंबर तो नहीं था, और जिस नंबर का यहाँ पे जिक्र किया गया था, जी हाँ, वो ट्रू कॉलर की मदद से उस पे सर्च किया तो देखा कि ये जो एक नंबर था 581 वाला, ये कोई किशन के नाम से था। जी हाँ, किशन प्रकाश के नाम से नंबर दिखा रहा था, और जो वोडाफोन आइडिया का नंबर था, लोकेशन आ रही थी उसकी उत्तर प्रदेश UP का। जी हाँ, सेकेंड नंबर था वो जो राणा प्रताप के नाम पर आया था, जिसकी लोकेशन पंजाब की आई थी, यानी दोनों लोकेशन अलग अलग दिखा रखी थी। जी हाँ, हालांकि पड़ताल में ये सामने आया कि जो नंबर बताया गया कि SBI बैंक मैनेजर का है, वो नंबर पंजाब का रजिस्टर्ड है जो अभी स्विच ऑफ आ रहा है। जी हाँ, स्विच ऑफ आता ही है भाई, सिर्फ बोला ना कि व्हाट्सअप वीडियो कॉल करना है आपको, वीडियो कॉल से बात होगी, रियल नंबर से वॉइस कॉल तो नहीं होती है। जी हाँ, यानी इन दोनों नंबरों का लोकेशन का अलग अलग लोकेशन है, कोई इनका आपस में मेल नहीं है, पहला यूपी का आ रहा था तो दूसरा पंजाब का आ गया, दोनों अलग अलग टेलीफोन कंपनी। इसके अलावा जो बम्बई के जो SBI मैनेजर का जो इसमें जिक्र किया गया था, उसकी लोकेशन पंजाब की आ रही थी, यानी सब कुछ सीधी सी बात है, चिटिंग वाला काम है, पूरा का पूरा गेम है भाई इसमें। जी हाँ, जबकि जो वीडियो कॉल में थी उसमें KBC की जो एक सिम की बात, लकी ड्रा की बात लिखी हुई है, अमिताभ बच्चन की फोटो आई हुई है। जी हाँ, इसमें एक्सपर्ट की राय सामने ये निकल के आई कि जो भी कोई अनजान नंबर से इस तरह से आपके पास में कोई कॉल करता है, मैसेज करता है, और आपको ये बोलता है कि ये नंबर सेव करके आप हमें कॉल करिए, या सेव करके आप हमें अपनी फोटो भेजो, अपने डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, हम आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, तो आपको तो ये लगता ना यार पैसा तो नहीं लग रहा है, या फिर आप एक काम करें वीडियो कॉल कर लें। तो इसमें देखिए दो तीन बातें हो सकती है, जहां तक ये बातें कुछ मेरी तरफ से मैं बता रहा हूं। पहली बात तो ये है कि आपका नंबर आपने सेव कर लिया, आपने अपने मोबाइल में उनका नंबर सेव हो गया, तो भाई आजकल इतने बैंकर सॉफ्टवेयर आ रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। जी हाँ, आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, अगर वो आपको बोलते हैं वीडियो कॉल कीजिए तो हो सकता है आपका एक बार एक अफवाह फैली थी ना कि आपको सामने से एक वीडियो कॉल किया जाता है, और वो कोई मतलब गलत लड़कियां होती हैं जो आपको एक फ़ोटो आपकी स्क्रीनशॉट ले लेती हैं, फिर बोलती है कि हम आपको न्यूज़ फ़ोटो बनाकर हम इसको वायरल करेंगे, वीडियो कॉल के सामने कुछ नंगी औरतें बैठी होती हैं बिना कपड़ों के, ऐसा कुछ सुनने में आया होगा, तो वो आपको स्क्रीनशॉट, क्योंकि आप जैसे वीडियो कॉल करते हो अगला फ़ोन उठाता है तो आपकी फ़ोटो तो जाएगी,
तो आपका फिर वो अगला इस तरह से बैठा होगा कि आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा, वो स्क्रीनशॉट फिर आपको व्हाट्सएप पे करके आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है कि या तो मैं इस फोटो को वायरल करूंगा या करूंगी, या आप मुझे 10,000-20,000 मांग सकते हैं, इनकी इतनी औकात होती है इतना ही मांगते हैं। या फिर आजकल इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर आ रहे हैं कि आप अपने मोबाइल में जैसे इसको सेव कर लेते हैं तो उसमें कुछ ऐसे वायरस होते हैं कि डायरेक्ट वो आपके फ़ोन में घुस जाते हैं या फिर आपका डाटा उनके पास पहुँच जाता है, तो आपका जो भी सिस्टम है ना पूरा उनके पास चला जाता है, चाहे आपका मोबाइल का डाटा हो या फिर आपके कोई जो पासवर्ड वगैरह है या आपने जो भी मोबाइल में, आजकल सबकी पूरी दुनिया का भाई मोबाइल में ही है, पूरे राज जो भी होते हैं आपके मोबाइल में होते हैं। तो इस तरह से आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है कि अगर इस तरह के कोई अननोन कोई मैसेज आए, कॉल आए, कोई लालच भरा, इसको समझ सकते हैं, लालच भरा कोई ऑफर आपको दे तो ये समझ लेना कि यहाँ सब गोलमाल है, यहाँ पे चक्कर है भाई। आजकल तो घर वाला घर वालों को नहीं देते यार, तो ये अनजान लोग कॉल करके आपको लॉटरी दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, छोटे छोटे ऑफर भी दिए जा रहे हैं, तो इन चीज़ों से सावधानी रखना आपको सख्त जरूरत है, इसलिए ये वीडियो बनाना जरूरी था। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।